अब बात कर रहे हैं, हमने सेलेक्ट करना सीखा। क्या सीखा भाई? कोई भी चेन कार्बन की कैसे लंबी से लंबी कैसे चेन करें, सेलेक्ट करें। तो हमारा सिलेक्शन ऑफ चेन में एक ही रूल लग रहा था, और वो ये था कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद जहां ज्यादा लोकेंट हो वो सेलेक्ट करें, फिर जिधर से लोकेंट पास हो उसे सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद ये तीन रूल के बाद मेरा जो चौथा रूल बन रहा है अब वो ये है कि हमने सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन हमें एल्काइल ग्रुप के नाम अभी तक याद नहीं हो रहे। ठीक है, हमें मिथाइल इथाइल याद है, लेकिन उसके आगे क्या? तो क्या हम आगे बढ़ें जब हम नेचर नेमिंग पढ़ने जाएं अनसेचुरेशन कंपाउंड्स की, उससे पहले एक बार एल्काइल ग्रुप को देख लिया जाए? हाँ, तो चलो, तो हेडिंग डाल लीजिए नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप, नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप। देखिए बहुत आसान है, एल्काइल ग्रुप का मतलब है क्या पहले तो ये समझे। आपने इतना तो पढ़ा है, एल्केन क्या होता है? सी एन एच टू एन, हाँ या ना? सी एन एच टू एन प्लस टू। अगर आपने एल्काइल ग्रुप बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? एल्काइल ग्रुप फॉर्मेशन कैसे करेंगे? आपके पास जो भी एल्केन है, एल्केन का फॉर्मूला क्या है? सी एन एच टू एन प्लस टू, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दे तो सी एन एच टू एन प्लस वन, और ये हाइड्रोजन जो हटेगा ये फ्री वैलेंसी का काम करेगा, यानी अब ये कंप्लीट कंपाउंड नहीं है, ये एक रेडिकल है, ये एक ग्रुप है जो किसी में अटैच होगा, ये एक साइड चेन है जो किसी के साथ अटैच होने वाली है। इसको आप साइड चेन, लोकेंड, ग्रुप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कंप्लीट कंपाउंड नहीं है। समझ में आ रहा है? यानी अगर आप समझ रहे हैं कोई ये चेन है बहुत बड़ी सी, तो इसके साथ एक अटैच हो रहा है वो है सी एन एच टू एन प्लस वन। आ रही है बात समझ में? अब ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि अगर आपने सी एच फोर में से एक हाइड्रोजन निकाला तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे? सी एच थ्री। सही है, इसको बोलेंगे मिथाइल। मिथाइल को एम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलेंगे? एम ई। अगर सी टू एच सिक्स है तो ये हो जाएगा सी टू एच फाइव इथाइल, और इथाइल को शो करेंगे ई टी से। तो ये कुछ कॉमन नेम है जिससे हम आसानी से बता सकते हैं। प्रोपेन सी थ्री एच, तीन दो छः सात आठ, तो सी थ्री एच सेवन, ये है प्रोपाइल। अब प्रोपाइल में क्या हो सकता है? देखिए बहुत सारे चांसेस हैं जो पहले नहीं हो सकते थे, यहां से जुड़ सकता है, हाँ या ना? प्रोपाइल में ये भी हो सकता है कि ये इस तरह से जुड़ जाए। अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप लीनियर है तो उसको बोलेंगे एन, एन का मतलब नॉर्मल, एन का मतलब नॉर्मल, तो ये हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल, ये हो जाएगा आइसो। आइसो वर्ड इस जगह ऐसे लगता है, आइसो का मतलब होता है ये वाला ग्रुप, तो इसको क्या बोलेंगे? आइसो प्रोपाइल। बस किसी ने मेरे से कहा सर इसको सेकेंडरी बोल सकते हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि ये कार्बन जहां से वैलेंसी फ्री है, जहां से ग्रुप अटैच हो रहा है वो सेकेंडरी भी है, तो इस जगह आइसो और सेकेंडरी का मतलब सेम होगा, सेकेंडरी प्रोपाइल। सेकेंडरी का मतलब हो गया 2 डिग्री, प्राइमरी का हो गया 1 डिग्री, और टर्शियरी का मतलब हो गया 3 डिग्री। तो 4 डिग्री ग्रुप को क्या बोलेंगे? 4 डिग्री ग्रुप होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि चारों वैलेंसी अगर पहले से ही है तो उसके पास फ्री वैलेंसी कहां से आएगी? तो ये तो आपने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ा, एल्काइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप वगैरह वगैरह। अब आगे, अगर आपके पास ब्यूटेन है C4H10, तो क्या बनेगा? C4H9 बनेगा या? अब इसमें चार कार्बन है, ध्यान से सुनना, क्या है? चार कार्बन, एक दो तीन चार, तो ये हो जाएगा एन ब्यूटाइल, क्योंकि लीनियर है। लेकिन अगर ये इस तरह से है तो क्या हो जाएगा? एक तरह से देखा जाए तो क्या इसमें आइसो भी है, तो इसको क्या बोलोगे? आइसो ब्यूटाइल। सेकेंडरी भी नहीं बोल सकते, लेकिन सेकेंडरी ठीक है ना? और अगर ये इस तरह से है
तो इसको बोलेंगे नियो। एक दो तीन चार पांच हो गए मेरे से यहाँ। हाँ ठीक है, आइसो ब्यूटाइल। और अगर ये इस तरह से है तो इसको बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। और भी हम सोच सकते हैं, जैसे पेंटेन। पेंटेन का मतलब C5H12, पांच कार्बन। इससे कौन कौन से बन सकते हैं? आइसो पेंटाइल, एक दो तीन चार पांच। अगर ये आता है तो ये हमारे लिए हो जाएगा नियो पेंटाइल। और ये रहता है तो ये हो जाएगा हमारे लिए टर्शरी पेंटाइल। ये सारे ग्रुप है। मुझसे किसी ने कहा कि क्या आप इनको आईयूपीएसी में यूज कर सकते हो, एन प्योटाइल। देखिए पहले जब था शुरुआत में 2010 से पहले यूज कर रहे थे, अब तो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो ये है कि आप नंबरिंग कर दें साइड चेन की, ज्यादा इजी है। यानी आप जब भी अटैच होगा तो इस कार्बन को 1 2 3 इस तरह से चलेगा, तो 1 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल बोलेंगे आप। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है और आपको ऐसा कुछ दिया है टर्शरी पेंटाइल, तो फिर वो भी सही है, मोर करेक्ट नंबरिंग वाला है। लेकिन मैं आपको पहली लाइन में बताया था कि देखिए आईयूपीएसी में आज भी नंबर चेंज हो रहे हैं, रूल चेंज हो रहे हैं, तो आप लेटेस्ट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और अगर लेटेस्ट नहीं है तो आप पुराने भी देख सकते हैं। ये तो रहा हमारा एक बेसिक सा फॉर्मेट एल्काइल का। अब आगे लिख लिया आपने, नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप के बाद एक और हमारा इंतजार कर रहा है। और वो है क्या एल्कीन से भी ग्रुप बन सकते हैं? हाँ, कैसे देखते हैं। जैसे मैं आपकी बात कर रहा हूं, इसको हम बोलेंगे एल्कीन। एल्कीन है, नॉर्मल एल्कीन है। इससे जो ग्रुप बनेगा, रेडिकल बनेगा, उसका नाम क्या होगा? देखो इन तो है, तो एल्कीन है, एल्कीन तो है आपके पास, बस उसको इस तरह से लिख लो एल्कीन नाइल। पोजीशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अटैच तो यहां से होगा, 1 2 2 एल्कीनाइल। इसको क्या बोलोगे आप? यहां से जुड़ा 1 2 3, ब्यूट 3 ई नाइल। इसके लिए आप क्या बोल सकते हो? ब्यूट 2 इनाइल। यहां पर 1 2 3, तो आपको बकायदा नंबरिंग करनी पड़ेगी। इसका नाम वैसे तो इनाइल होता है, लेकिन मेन नाम इसका क्या होगा? प्रॉप 2 इनाइल। इस तरह से हम नेमिंग करेंगे किसकी? जो इन से बनने वाले आइल ग्रुप है। समझ में आ रही है बात? इन नाइल, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है सामने वाली चेन से, किससे जुड़ रहा है? डबल बॉन्ड से, तो इसको बोलेंगे, इसका अलग ही नाम हमें याद करना पड़ेगा, मिथिनाइल। सिंपल, मिथिनाइल, मिथिनाइल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा और कोई भी है, जैसे ये, इसको देख लीजिए, तो ये कहलाएगा
एल्काइलीडीन, तो ये क्या हो जाएगा इथाइलीडीन, इथाइलीडीन। आ रही है बात समझ में? तो ये हमारे पास हो जाएंगे अलग तरह से नेमिंग, तो जो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच हो रहे हैं। लिखें इसको, तो आप इसका नाम बता सकते हैं, यहां सी एच थ्री आएगा, सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड प्रोपाइलीडीन, और इसका नाम बता सकते हैं प्रोपाई प्रोपीनाइल, प्रोपीनाइल। सही है, दोनों में अंतर है, प्रोपीनाइल और प्रोपाइलीडीन। इसको सबको लिख लीजिए। तो देखिए ये तो आपने पढ़ लिया, कुछ और ग्रुप्स। अब ऐसे भी ग्रुप हैं जो बेंजीन से बनेंगे, यानी एरोमेटिक रेडिकल, एरोमेटिक रेडिकल, एरोमेटिक रेडिकल। एरोमेटिक रेडिकल में सबसे पहले ये क्या है, आप सब जानते हैं ये क्या है, बेंजीन C6H6, यस और नो? इसमें से एक हाइड्रोजन गायब कर दो, कर दी आपने, कर दिया, एक हाइड्रोजन गायब होती है, वो क्या बन गया, रेडिकल। क्या क्या फॉर्मूला रहेगा इसका, C6H5, इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल, कुछ इसको एराइल भी बोल देते हैं, और कुछ मेरे जैसे इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, फाइ, समझ में आ रहा है? लेकिन ज्यादातर बुक्स इसको फिनाइल यूज करती है, फिनाइल। फिनाइल का मतलब क्या हुआ, C6H5। तो आप देखो कितनी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, C6H5 ऐसे भी कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, पांचों का मतलब एक है, अलग अलग राइटर अलग अलग तरह से लिख सकता है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये फिनाइल हो गया, ये होता है CH3 टोलुइन, टोलुइन। तो ये जब बनेगा CH2, ये बन जाएगा बेंजाइल, क्या बनेगा ये, बेंजाइल। अगर इस तरह से बना रहे हो आप कि दो वैलेंसी एक साथ छोड़ रहे हो तो बेंजल, और तीनों अगर हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए तो बेंजो। तो बताइए बेंजाइल का फॉर्मूला क्या बनेगा, C6H5 तो था ही, C6 की जगह क्या बन जाएगा, C7H5 था लेकिन एक हाइड्रोजन गया दो आए, तो क्या बनेगा लास्ट फाइनली, H7, लॉक कर दूं मैं, इसके लिए क्या बनेगा C7H6, और यहां C7H5, बेंजाइल बेंजल बेंजो। अच्छा इससे एक और बन सकता है, ये CH3 यहां पर ये जोड़ा जा रहा है पक्का, तो ये फ्री वैलेंसी इसकी कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो, इस पोजीशन को ऑर्थो मेटा पेरा, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश का मतलब ऑर्थो मेटा पेरा, लिख लो ओम प्रकाश शॉर्ट ट्रिक में, ये कहलाएगा ऑर्थोटोलाइल, ये कहलाएगा मेटाटोलाइल, और एक और कहलाएगा पैराटोलाइल। ओम प्रकाश ऑर्थो मेटा पैरा टोलाइल।
तो आपको याद रहना चाहिए बेंजाइल बेंजल बेंजो में क्या अंतर है। तो बेंजाइल का फॉर्मूला क्या है, C6H5 या C7H7, C7H7। तो गलती से भी गलती नहीं करनी हमें। ये हमारे पास बहुत सारे ग्रुप हो गए। आप ये बताएं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इसको ऑर्थो बोलना सही रहेगा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आईयूपीएसी ने अब लेटेस्ट रूल के अकॉर्डिंग ऑर्थो को ऑर्थो नहीं बोल के टू पोजीशन बोल दिया। वन नेमिंग यहां से स्टार्ट होगी, वन टू, तो इसको बोलेंगे टू टोलाइल, इसको बोलेंगे वन टू, वन टू थ्री, थ्री टोलाइल, और पेरा को बोलेंगे वन टू थ्री फोर, फोर पोजिशन है, फोर टोलाइल। तो याद करना आसान है, लेकिन अगर पैरा लिखा हुआ है ऑप्शन में, नंबरिंग नहीं दी है, तो चलेगा वो भी। ये बेंजीन है अभी तक। अब ये क्या रहा, ये क्या हो गया हमारे लिए, नेफ्थलीन, सही है। तो अभी तक तो ये रेडिकल बना ही नहीं, रेडिकल बना नहीं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सी छह, तो ये रहे सात आठ नौ दस, कार्बन दस है पक्का। हाइड्रोजन कितने, आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, यहां हाइड्रोजन नहीं होता, तो C10H8 मैं सही हूं। तो इससे जो रेडिकल बनेगा ये बनेगा C10H7, इसको बोल सकते हो अल्फा नेफ्थलीन। नेफ्थनाइल लिख लीजिए, NaPTH, NaPHTHYL, नेफ्थनाइल करें इसको। सही है, तो ये हमारे पास हो गया अल्फा नेफ्थलाइन। कोई डाउट? तो आप कहेंगे सर ये वाला होता तो क्या होता, क्या ये भी वही रहता? हाँ, इसमें पता है ये पोजीशन, ये सब आइडेंटिकल है, ये सब एक ही जैसी है, ये इन सब का नाम क्या होगा, एफ्था नेफ्थनाइल। और एक और पोजीशन बन रही है जो हटकर है इससे, वो है ये वाली, इसको क्या बोलेंगे, बीटा। तो ये भी चार तरह की होगी, या तो यहां या यहां। तो बताओ बीटा नेफ्थनाइल कहां कहां मिलेगा आपको, यहां इसके अंदर, या तो यहां या यहां, इस जगह इस जगह, चारों पोजीशन सेम है। समझ में आ रहा है, बीटा नेफ्थनाइल, समझ में आ रही है? चलो मैं क्वेश्चन हटके पूछता हूं आगे का, इस टॉपिक से बाहर। ये मेरे पास नेफ्थलीन है और मैंने इसका मोनो डेरिवेटिव बना दिया, मोनो हेलो डेरिवेटिव, हेलो का मतलब क्लोरीन, यानी इसकी कोई भी एक वैलेंसी हटा के क्लोरीन लगाना है। तो बताओ कितने तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, मोनो का मतलब सिर्फ एक ही क्लोरीन लगाना है, मोनो का मतलब, तो दो ही बनेंगे, या तो वो यहां होगा या फिर वो यहां होगा बस। तो कहने के लिए बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन मोनो डेरिवेटिव कितने बनेंगे इसके, सिर्फ दो ही। बेंजीन के कितने बनेंगे, एक। टॉलुइन के कितने बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे टॉलुइन के। तो देखो ये है टॉलुइन, यहां अटैच हो सकता है एक, फिर ऑर्थो मेटा पेरा कितने बन गए, चार। तो जल्दीबाजी में आंसर ना दे, सोच समझ के दे, समझ में आ रही है बात? तो इसमें गामा होगा ही नहीं। तो ये रहा एक तरह से एलाइल ग्रुप, आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया मुझसे, और आपको आइडिया होना चाहिए। अब लिख लें इसमें,